एसपी पुनीत गहलोत द्वारा आगामी त्योहारों और विधानसभा में सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे 130 युवाओं को नगर रक्षा समिति में जोड़ नवाचार किया। आयोजित कार्यक्रम में एसपी पुनीत गहलोत ने युवाओं को मोटिवेट किया। दरअसल पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने बड़वानी के तेज तर्राट एसपी पुनीत गहलोत द्वारा नगर रक्षा समिति में 130 युवाओं को जोड़ नई टीम तैयार की है। युवा जिनमें 2 दर्जन से अधिक युवतियां भी हैं, पुलिस के साथ आगामी त्योहारों और विधानसभा के दौरान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाने में सहायक बनेंगे। वही युवा पुलिस आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। देखिए, बड़वानी पुलिस के द्वारा एक बृहद आयोजन आज किया गया है, जिसमें पहली बार बहुत बड़ी संख्या में करीब 130 लोगों को नगर रक्षा समिति का सदस्य बनाया गया। और जैसा कि विदित है कि नगर रक्षा समिति के सदस्य अलग अलग कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो या फिर त्योहारों का इंतजाम व्यवस्था होती है, उसमें पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। और पुलिस का जहाँ एक और सहयोग होता है, वहीं पर जो नगर रक्षा समिति के मेंबर्स हैं उनको पुलिस कार्यप्रणाली से वो अवगत हो पाते हैं। और अभी इस बार के जो हमने आयोजन किया, उसमें विशेष बात ये है कि ये जो 130 मेंबर्स हैं उनमें सभी नए लड़के हैं जो कि पुलिस या आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इनके लिए जहाँ एक और इनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा पुलिस कार्यप्रणाली कैसे होती है उसके बारे में, और उसके साथ ही इनका माइंडसेट भी एक डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए एक काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही इन्हें अभिमन्यु अभियान के तहत भी जोड़ा गया है। अभिमन्यु अभियान मध्य प्रदेश पुलिस का एक अभियान है जिसमें जनता को महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो जहां एक और इन्हें नगर रक्षा समिति के रूप में सदस्य बनाया गया है, वहीं इनको अभिमन्यु अभियान की विशेषताओं से भी अवगत करवाया है। और बतौर अभिमन्यु इनसे अपेक्षा की गई है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएं और महिला अपराधों की जो रोकथाम है उसमें पुलिस की मदद। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।